आज धनबाद में प्रदर्शन किया गया है। किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में देशव्यापी कार्यक्रम के तहत C2 धनबाद ने किसान मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस अवसर पर किसान बचाओ देश बचाओ, कोयला उद्योग बचाओ देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ के नारे लगाए गए। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से मजदूर किसान विरोध मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में खाद्य पदार्थों, दवा, चिकित्सा उपकरण पर GST खत्म करो जैसी मांगें शामिल रहीं। C2 नेता मानस चटर्जी ने कहा कि देश के सरकारी उद्योग को निजी मालिक के हाथों में बेचा जा रहा है, इसके लिए श्रम कानूनों में निजी मालिक के हित मजदूर विरोधी ने आचार संहिता वाले श्रम कानून लाए हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत का नारा खतरे में पड़ गया है। C2 किसान सभा संविधान दिवस के साथ साथ हमारी काफी पुरानी समस्याएं हैं। हम ट्रेड यूनियन किसान मोर्चा को बहुत सारे आश्वासन मिले थे, 750 किसान शहादत दिए थे, उन मांगों में कुछ आश्वासन था और श्रम कानून से लेकर तमाम जो श्रम संगठनों का जो अधिकार हक था उस कानून को इन्होंने ख़त्म करने का साजिश किया। और जो बड़ा ढिढोरा पीट रही है आज केंद्र सरकार, मोदी सरकार, कि हम संविधान के संरक्षक हैं, वास्तव में हम देशवासी के सामने ये बहुत बड़ा चुनौती के रूप में आए हैं, क्योंकि संविधान में जो तीन बातें हैं, समाजवाद, सेकुलरिज्म और अखंडता, ये तीन मुद्दे पर ये मोदी सरकार लगातार हमले कर रहे हैं। संविधान दिवस